चलो अब इंथैल्पी किसको कहते हैं हम, जिसके न्यूमेरिकल है वो 6.2, 6.3, 6.4 और 6.1 जो भी पहले के बच गए हैं एक साथ अपन कर लेंगे। अभी पहले थ्योरी वगैरह कर लेते हैं सारी, ठीक है, ताकि न्यूमेरिकल से क्या आपको वापस से रिवाइज हो जाएंगे क्या क्या फॉर्मूला हमने पढ़े। एंथैल्पी क्या होता है, एक टाइप की हीट कंटेंट होती है, हीट अलग होती है ना। एंथैल्पी को क्या बोलते हो आप, हीट कंटेंट। एंथैल्पी जो होती है वो हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम होती है, ठीक है, हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम। और शर्त यह होती है कि इसमें प्रेशर क्या होता है, एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है। मतलब यहां पर एक नया स्टेट फंक्शन बनाया गया है जिसको एंथैल्पी बोलते हैं। इस नया स्टेट फंक्शन की जरूरत पड़ी जिसको आपने एंथैल्पी बोला। तो ये जो एंथैल्पी होता है इसकी डेफिनेशन है हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर। मतलब जब प्रेशर कॉन्स्टेंट है तब उस समय हीट का कंटेंट क्या था, जब उसने हीट एब्जॉर्ब की थी या उसने हीट रिलीज की थी सिस्टम ने, तो उस समय जितने इसकी हीट होगी उसी को ही क्या बोलेंगे, एंथैल्पी बोलेंगे, ठीक है। अच्छा अब एक्चुअली इसको जो फॉर्मूला है इसका पहले फॉर्मूला बता दिया जाता है कि एच इज इक्वल टू यू प्लस पी इंटू वी। एंथैल्पी का फॉर्मूला ये होता है, एच इज इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस पी वी, ठीक है। कैसे अब इस फॉर्मूले को जस्टिफाई करेंगे हम, इसका यूज़ कैसे करते हैं। एंथैल्पी को अपन एच से डिनोट करते हैं, पर मैं आपको बता दूं एंथैल्पी कुछ भी नहीं होता है, हम आगे चेंज इन एंथैल्पी फिर से पढ़ने वाले। तो एंथैल्पी बोलो या फिर आप क्या बोलो, चेंज इन एंथैल्पी बोलो, ठीक है। जनरली वो एक ही नाम से लोग समझते हैं उसको, आप एंथैल्पी बोल भी देते हो तो अल्टीमेटली वो एंथैल्पी कैलकुलेट नहीं कर सकते हो आप हमेशा। व्हाट यू कैन कैलकुलेट ऑलवेज इज द डिफरेंस, आप चेंज कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी जैसे एंथैल्पी का फॉर्मूला बताया उन्होंने कि जो एंथैल्पी होगी सिस्टम की वो क्या होगी, यू, यू मतलब क्या होती है आपकी इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ये एंथैल्पी का क्या होता है फॉर्मूला। अभी दो तीन फॉर्मूले और आएंगे एंथैल्पी के। अच्छा इसको ऐसे बताया गया कि मान लो जैसे आप किसी भी सिस्टम को देखते हो उसमें मॉलिक्यूल है, अच्छा ये मॉलिक्यूल अगर आप जीरो केल्विन एब्सोल्यूट जीरो पर देखते हो तो ये मॉलिक्यूल का कुछ वॉल्यूम होगा जो कि कितना होगा, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल वॉल्यूम होगा। मतलब जब नेग्लिजिबल वॉल्यूम होगा तो इसके पास कोई भी एनर्जी नहीं होगी, है ना। पर अब मॉलिक्यूल इस स्थिति पे है, मतलब जीरो केल्विन से किसने पे आया, कुछ इस पर्टिकुलर प्रेजेंट स्टेट पे आया, तो इस पर्टिकुलर स्टेट पे कुछ ना कुछ प्रेशर होगा और क्या होगा, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा और साथ में उसकी इंटरनल एनर्जी। अच्छा शुरू में इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, जीरो, ठीक है। जब ये इस सिस्टम को आप एक पर्टिकुलर इस पोजीशन पे लाओगे, देखो हर एक गैसीय सिस्टम की कुछ ना कुछ एक स्टेट होती है ना, जो कि उसकी पुराने से पहले और पुराने के बाद कहीं ना कहीं बदलती रहती है। तो मान लेते हैं कि सबसे पहले उसकी इंटरनल, अच्छा इंटरनल एनर्जी तो पता है, इंटरनल एनर्जी इंटरनल मॉलिक्यूल की रहेगी, जो कि मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, रिपेल करते हैं, ठीक है, इधर उधर भागते हैं, तो उसके कारण जो भी एनर्जी है टोटल उसको अपन ने क्या बोला था, इंटरनल एनर्जी। साथ साथ जो आपका एच है, मतलब जो आपका एंथैल्पी है, वो साथ साथ एक प्लस एक और चीज़ यहाँ पे जुड़ी हुई है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, मतलब ये दो चीज़ों का क्या है, प्लस है। हरी बात समझ में। अगर यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या है, जूल, ठीक है, इसकी यूनिट क्या है, जूल। इंटरनल एनर्जी की भी जूल है, इसका मतलब इन दोनों का भी प्रोडक्ट क्या निकलेगा, जूल, ठीक है, क्योंकि दो एनर्जी इसको जोड़ोगे तो एक एनर्जी की टर्म ही आनी चाहिए। तो एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या हो गई यहाँ पर, क्लियर है। हाँ तो जो हीट कंटेंट होता है एक्चुअली वो इंटरनल एनर्जी के कारण होता है और प्लस उसको पर्टिकुलर एक स्थिति से दूसरी स्टेट में, मतलब उसकी पुरानी स्टेट से नई स्टेट पर लाने में जो भी प्रेशर और वॉल्यूम लगा होगा वो सबको जोड़ेंगे तो टोटल हीट उसके पास होगी, वही उसको अपन वो हीट से बताएंगे, क्लियर है। तो जैसे मैं बोलूँ इस बक्से की हीट बताओ कितनी है इसके पास, तो आप क्या बोलोगे कि इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है पहले वो बताओ, और फिर बोलोगे कि इसके ऊपर अभी प्रेशर और टेम्परेचर, सॉरी प्रेशर और वॉल्यूम कितना है वो बताओ, दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगी, हीट मिल जाएगी, मतलब एंथैल्पी मिल जाएगी, ठीक है। तो एंथैल्पी और हीट कंटेंट दोनों सेम है। हीट कंटेंट का मतलब क्या है कि सिस्टम ने कितनी हीट एब्जॉर्ब करी, मतलब हीट एब्जॉर्ब बाय लिखना, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम या फिर हीट रिलीज बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम जोड़ना जरूरी है ना, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम या हीट रिलीज बाय द सिस्टम, इसमें लिख लो हीट
कंटेंट का मतलब क्या है? एब्जॉर्ब्ड बाय और हीट रिलीज्ड बाय। ठीक है, यहाँ पे P और V का मतलब तो आपको पता है, ये एंथैल्पी की डेफिनेशन होगी। ठीक है, आपकी बुक में भी ऐसा ही कुछ दिया हुआ है एक्चुअली, मतलब थोड़ा बहुत वेरिएशन मिलेगा बुक टू बुक। ठीक है, सो यू विल गेट डस्टर का। चलो ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? एंथैल्पी क्या होता है? किसी भी सिस्टम की हीट कंटेंट को हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर इसी फॉर्मूले का यूज़ करके इसमें और थोड़ा बहुत चेंजेस किया जाता है, एंथैल्पी के और फॉर्मूले निकलते हैं। देखो H इज इक्वल टू क्या होगा? U प्लस PV। हम क्या करते हैं पूरी इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? डेल्टा से। ठीक है, पूरी इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई किया? डेल्टा से। तो ये कितना हो जाएगा? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। आ रही बात समझ में? अच्छा, डेल्टा एक्स वाई का फॉर्मूला लिख लो। डेल्टा मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई। क्या करते हैं? एक्स को बिठाते हैं, वाई को डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस वाई को बिठाते हैं, एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, है ना? तो ठीक वैसे ही ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाओ, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या निकलेगा? डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी। ठीक है, अच्छा इससे एक और डेफिनेशन आप लिख सकते हो यहाँ पर। जैसे मान लो इनिशियली प्रेशर P1 था और वॉल्यूम कितना था? V1। फिर बाद में ये कितना हो गया? P2 और V2, है ना? अच्छा, उस समय आपका H1 होगा एंथैल्पी और U1 होगा क्या? इंटरनल एनर्जी। फिर आपका H2 क्या हो जाएगा? एंथैल्पी और U2 क्या हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी। तो अगर मैं पूरी इक्वेशन में पुट करूं तो डेल्टा एच का मतलब क्या होता है? एस टू माइनस एच वन इज इक्वल टू डेल्टा यू क्या होता है? यू टू माइनस यू वन प्लस डेल्टा पी। इसको क्या लिखोगे? पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। कोई दिक्कत? अरे डेल्टा यू का मतलब क्या होता है? पहले क्या था और बाद में क्या हुआ? यही तो होता है यू वन यू टू। पहले यू वन था, बाद में यू टू है। फाइनल माइनस इनिशियल कहाँ पे? डिफरेंस कैसे निकालेंगे? एच टू माइनस एच वन ही तो होता है। डेल्टा क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। पूरी इक्वेशन में अपने प्रेशर कांस्टेंट रखा है, प्रेशर कांस्टेंट रखा है आपने। नहीं सुनो, अभी इसको मैं दो हिस्से में डिवाइड करूंगा, इसको भी अपन इसको और करेंगे आगे इक्वेशन को। देखो एक ये इक्वेशन बनी। अच्छा, कुछ लोग इसको इतना बड़ा नहीं लिखते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसको लिखते हैं डेल्टा एच ही लिख देते हैं और इसको डेल्टा यू ही लिखे रहने देते हैं और इसको साथ में दिखाते हैं। ये क्या है? पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। इसको दिखा देते हैं। ठीक है, मतलब सही है आपको न्यूमेरिकल पर्पज़ के लिए ये चीज़, तो ये चीज़ हमेशा लागू होगी। दिस इज 100% अप्लीकेबल। अगर न्यूमेरिकल में आपको कुछ पूछा है कि उसका प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर वगैरह की बात नहीं, ये अच्छा ये सब कितने कांस्टेंट पे हो रहा है? एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा। अगर गिवन प्रेशर और वॉल्यूम है तो टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। ठीक है, तो ये चीज़ है, क्लियर है? अच्छा, अब इसी इक्वेशन को देखो, इसको हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, हटा दूँ। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं देख रहा हूँ, तो चलो डेल्टा एच इज इक्वल टू यू। अब ये इक्वेशन को आप दो हिस्सों में बांट सकते हो, एट अ कांस्टेंट प्रेशर और एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है,
अगर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो वैल्यू क्या मिलेगी, देखो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा पी कितना हो जाएगा, जीरो, मतलब इसमें डेल्टा पी जीरो मिलेगा और इसमें डेल्टा वी कितना मिलेगा, जीरो। तो यहाँ से डेल्टा एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, और यहाँ से डेल्टा एच की वैल्यू क्या मिलेगी, डेल्टा यू प्लस वी डेल्टा पी। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, जो हमारी इंटरनल एनर्जी की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होती है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, हम पुट कर सकते हैं वैल्यू, दोनों में पुट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ऐसा बताया है कि हम अधिकतर जितने भी इक्वेशंस करते हैं, जितने भी रिएक्शन करते हैं ना, वो कांस्टेंट प्रेशर पर होती है, इसलिए इसकी जरूरत पड़ी कि कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कंटेंट क्या है वो निकालना था आपको। तो देखो, कांस्टेंट प्रेशर वाली इक्वेशन डेल्टा एच वाली कौन सी आ गई, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये वाली इक्वेशन को आपको क्या करना है, यूज़ करना है, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कौन सी इक्वेशन को यूज़ करना है, ये वाली इक्वेशन को यूज़ करना है। क्लियर है। ठीक है, चलो डेल्टा एच इज इक्वल टू आपने क्या रखा, डेल्टा एच की वैल्यू रख देते हैं एट अ कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है बेटा, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा यू क्या बनेगा, क्यू पी लिख दूं, इसको क्या लिख दूं, क्यू पी, क्यू पी मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी हीट बनेगी उसको क्या बोल देता हूं, क्यू पी। और कांस्टेंट प्रेशर होता है तब डेल्टा डब्ल्यू की डेफिनेशन पढ़ी हुई है ना आपने, क्या माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी पढ़ा है ना, तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू इसकी जगह वैल्यू रखोगे तो क्यू पी माइनस पी, अल्टीमेटली इसको पी डेल्टा वी बोल दो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ भी कितना लिखा है, पी डेल्टा वी, या तो फिर इसको भी पी एक्सटर्नल एक्सटर्नल लिखना पड़ेगा आपको, पर अपन हर बार ये लिखते हैं, तो ये पी वी प्लस